सर्कल देखो कितने बंदे भैया। अबे जॉनी नॉक, ज़िगोट इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, गॉब्लिन, नियो एंड हेक्टर फोर मैन स्ट्रॉन्ग दिख रहे मेरे को। चार फिनिशर्स पर क्लच गॉड, जॉनी भी बाहर। ब्रो लुक एट द सर्कल, लुक एट द फ्रीकिंग सर्कल, ओ माय गॉड, पूरा पानी का सर्कल। 53 अलाइव इन दिस स्मॉल सर्कल, कुछ भी मर जाती है गॉड में कभी कभी तो। ब्रो दिस इज द रेयरेस्ट सर्कल। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर स्पाइक गाइस। आज है स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0 का डे 4। आज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन। जो भी टीम्स टॉप 11 में नहीं है उन सबको आज कमबैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद सिर्फ एक दिन बचा है एंड लास्ट डे। तुम लोग को पता ही है ऑलरेडी कितना अनएक्सपेक्टेड चीजें होते हैं, तो आज कुछ ना कुछ टॉप 11 में आना पड़ेगा, नहीं तो टॉप 11 के बहुत करीब आना पड़ेगा, तभी तुम कल कुछ करके क्वालिफाई हो सकते हो। डे 3 में हमने ऑलरेडी देखा कि सोल की तरफ से कमबैक देखने को मिला, देयर एट #4 एंड गॉडलाइक के लिए डे 3 भी उतना अच्छा नहीं गया, बट इन दोनों को उतना फर्क नहीं पड़ता ना। बट टीम एक्सपार्क, मेडल ईस्पोर्ट्स, ये सारे स्ट्रॉन्ग टीम्स, इनको इनवाइट भी नहीं है फाइनल्स के लिए, बट ये लोग भी स्ट्रगल किए डे 3 पे। आज तो कुछ ना कुछ करके कमबैक करना ही पड़ेगा, बिकॉज फाइनल डे पे कुछ भी हो सकता है। एक बार देख लेते डे 3 का ओवरऑल स्टैंडिंग्स। भाई जो भी है ना, सेकंड पेज थर्ड पेज में कुछ भी हो सकता है इनके साथ। आज कुछ ना कुछ करके सेफ साइड में जाना ही पड़ेगा। देख के भाई बहुत मसाला होगा आज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा, उसको फटाफट हिट कर दो ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए, और सब्सक्राइब भी कर देना, अपना गोल है 3 के सब्सक्राइबर्स का। With that being said, now let's get started. अपना डे 4 पहला मैच इरांगल होने वाला है, एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के बीच में, मतलब गॉडलाइक खेलने वाला है, नॉट फुल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अरे भाई एक्सपार्क वाइप आउट कर दिया था। एक्सपार्क गन फाइट एक बारी रहने वाली, हालांकि पुकार जहां पर उतरे ऑलरेडी टीम सेल्सियस के खिलाड़ी काफी करीब देखने को मिल रहे हैं, तो अर्ली ऑन वो जो एनकाउंटर से वो हो सकते हैं। पुकार के हाथ में डबल बैरल शॉट, टीम एक्सपार्क को बहुत अच्छा करना पड़ेगा आज। भी स्पॉट किया है पर जंप करके नीचे जाना, तो चलो ऑल टू नॉक है सारंग की तरफ से। एसकेएस के साथ फाइट कर रहे हैं, एसकेएस पहला नॉक है वो निकालते हुए नजर आएंगे। सेल्सियस हाल फिलहाल में चलो एक किल तो मिल गया, भारी गन मिल गया पुकार को डीबीएस। अगर ये अर्ली ऑन फाइट यार पुशिंग वापस से, दे आर पुशिंग वेनम भी नॉक थैंक यू सरूड। एक्सपार्क ब्रो सेल्सियस वाले क्या फंस गया रे, बड़ा एडवांटेज जो इनको मिला है। खत्म, इट्स ओवर। 3 किल मिल गया सारंग को, 1v3 क्या मिल रहा है एक्सपार्क को। ओए होए होए, मतलब इट्स अ टीम वर्क, बट फिर भी 3 किल होता है तो नजर आएगा टीम ओरैंगुटेन की साइड से। देखिए ओरैंगुटेन बहुत ही ज्यादा जीडीआर वर्सेस ओजी, भाई ये बढ़िया होगा। यहां पे मौजूद देखना ये पुश क्या वो कुछ कर रहा है। डिस्ट्रो शॉट मिस भी किया, डिस्ट्रो का एक भी गोली नहीं लगी बे, एक भी गोली नहीं लगी। क्या हो गया, चलो जस्टिन चल, जस्टिन चल, फोर मैन खेल रहे हैं आज तो जीडीआर कैसे भी। बाय करने की कोशिश है मगर यार डीबीएस के सामने एकेएम उतना काम करने वाली, भाई सामने वाले सारे शॉटगन लेके बैठे तो मौजूद। जस्टिन नीड्स टू कनेक्ट सम हेड्स, फाइट को जीतती हुई नजर आ रही है, बट उसके बावजूद अभी भी आप देखिए ओए होए थोड़ा ठहर के वो आगे जाने की कोशिश करेंगे। ओए होए कुछ खास फायदा शायद ना निकाल पाए, चलिए एक नॉक उन्होंने निकाला है, फिनिश निकालने की वो कोशिश थी जरूर। अरे दूसरा भी एक एच बता, दूसरा भी मेरे ख्याल से 17 एमओ ओनली, इस गॉड इंस्टेंट रेव पे। ये सारे देख लिया मैंने, ये सारे बड़े टीम्स हमेशा इंस्टेंट रेव पे जाते हैं। प्ले बना सकते हैं लेकिन बस 17 गोली, यही एक मुश्किल के लिए बहुत बड़ी रहने वाली है कि वो 17 हो गया, वो गैरे हो गया देनो अकेला है, बट फिर भी चांस देखो आने वाला है 17-12। ओके वेक्टर से स्विच कर लेंगे, एक प्लेयर को बस नॉकआउट करना है, चिप डैमेज उन्होंने जरूर। अरे 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 साइकिल के बैक ऑफ करने तक का मौका नहीं। चलो ओजी 3 किल मिल गया। तो गाइस मैं आपको एक साइट के बारे में बात करना चाहता हूं, जिधर गेम्स खेल के अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आओ आप मैं खेल के दिखाता हूं, आप देख सकते हो इधर काफी ज्यादा गेम्स है इधर खेलने के लिए, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है लक्की जेट। लकी जेट खेलना काफी आसान है, पायलट उड़ने से पहले अपने को कैश आउट करना है। चलो 500 लगा दिया मैंने, एक 2x करना है, एक 3x करना है, गोल ये है, यू नो आई एम वेरी लकी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये लो 2x का हो गया, लेट्स गो 3x का भी हो गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आज। तो जैसे आप देख सकते हो मेरा अर्निंग्स ऑलरेडी मेरा अकाउंट में आ चुका है। अब इसको विदड्रॉ कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करने का, उसके बाद विदड्रॉ पे टैप करने का, उसके बाद इधर काफ़ी ज़्यादा मेथड्स है आप विदड्रॉ करने के लिए, IMPS, Paytm और काफ़ी अदर ऑप्शंस भी है, क्रिप्टो भी ऑप्शन है आपके पास करना है तो। मेरा पर्सनल फेवरेट है Paytm, हमेशा मैं Paytm ही यूज़ करता हूँ। Paytm पे टैप करने का, Paytm का नंबर देने का, जितना चाहिए उतना अमाउंट देने का, उसके बाद सीधा विद्रॉ करो। विद्रॉ के लिए हमेशा Paytm यूज करना सबसे फास्टेस्ट मेथड वही है। अपना जिम्मेदारी से खेले एंड ऑल द बेस्ट। काफी अच्छी पोजीशनिंग है गॉडलाइक की, देखिए अगर कोई भी गलती की जाती है गॉडलाइक की स्क्वाड तो
सारंग आज फ्लो में दिख रहा है मेरे को। सामने तीन खिलाड़ी है मौजूद। सारंग कुछ अच्छा खा के आया आज, लाइक बिरयानी, कुछ हैवी फूड खा के आया है। तो सारंग गेम से और शॉट्स लिए जाएंगे फिलहाल के लिए। पुकार बाहर तो खाया, गेम में भी खाना पड़ेगा उसको, तभी पेट भरेगा। ठीक है, नहीं जीरेड फॉर टीम एक्सपायर। इंटेल मिल जाएगा, आदित्य ने गाड़ी से कुचल दिया है भाई मिडवेव आतंकी को भी, यहां पर देखिए खत्म कर दिया जाएगा। और इसी बीच में सिर्फ दो ही खिलाड़ी बचते हुए एक्सपायर का अपना फॉर्म दिखाना चाहते हैं। आदित्य क्या बेट बना रहे, क्या बेट बना रहे इधर मिडवेव बाहर। टीम एक्सपायर विद 7 फिनिशेस ऑलरेडी, 30 players still remaining. Godlike, 0 kills, but position अच्छा है इनका। आ सकता है, लेकिन मैं स्प्लिट देखो, स्प्लिट देखो, दो ही कंपाउंड जोन के अंदर, दोनों कंपाउंड Godlike के पास। काफी बढ़िया है और चलो लेट्स सी। एंड सर्कल्स की बात, गॉड ट्रेन पुश कर दिया। ओए होए, तो बिल्कुल नहीं बनता। ग्रेनेड को ग्रेनेड से हो गया, जोनी नॉक किया ग्रेनेड से। नाइस वन रे, नाइस वन बर्ड जरूर सकती है। देखना ये कि Godlike को कितने एक एचपी बचा है जोनी, कंपाउंड को डिफेंड कर पाएंगे। एक ग्रेनेड जाएगा वहां पे नॉक निकाल। निंजा देखो कहां बैठा है, ज्यादा लो ऑन एचपी वो में देखने को मिलती है। ये ग्रेनेड अच्छा हो सकता है, देखने को मिलती गई। अबे जोनी नॉक, लेकिन एक और टीम का आगमन हमें यहां पर देखने को। एक्विनॉक्स कहां से आया ब्रो, और ये एक इंपॉर्टेंट नॉक और फिनिश आता हुआ टीम Godlike यहां से, वो बैकफुट पर जाएंगे। बट साथ ही साथ निंजा फिनिश कर दिया जोनी को, आता हुआ नजर आएगा ब्रो। तो टीम वर्क गॉड स्विंग का है ना ब्रो, Godlike और देखता ये कि बेहतरीन है यहां पे साबित होंगे। बट शैडो, रॉबिन ने शैडो को नॉक फिनिश कर दिया क्लच गॉड का भाई। देखते देखते दो बंदे था जरूर, हालांकि कनेक्शन आया मर गए बैकफुट पर देखने को मिलते हुए। गॉडन के पास और कोई चारा नहीं था जोन का जो। चल निंजा चल, फेवर कर रहा है इसी कंपाउंड को, इसीलिए एंट्री भी इस कंपाउंड का कवर चाहती है। अरे भाई बहुत से एफपीपी, निंजा स्विच करेंगे एफपीपी पे एंड देखिए इंस्टेंटली जाके उन्होंने Z-God इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग के लिए। अरे Z-God बाहर हुआ एंटिटी गमला बॉय की तरफ से, Godlike बाहर ब्रो, दे कुडंट डिफेंड एंटिटी के ऊपर। ये स्लैम ओजी आ गया, स्लैम यहां पे ओजी कर दिया स्लैम एंटिटी पे। दिक्कतों में जा रही है दो प्लेयर्स को, गमला बॉय इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एंटिटी भी बहुत ज्यादा मुश्किलों में, देखिए ओजी जरूर Z-God को गवाएंगे लेकिन ट्रिगर नॉक उनका भी। देखिए अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, गमला बॉय का एक और कोशिश सक्सेसफुल। बहुत सही, बहुत सही एंटिटी के गमला बॉय। गमला दो दिन से देख रहा हूँ मैं, गमला है ना अकेला बहुत परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंटिटी से। भाई सीक्रेट क्या हो गया ब्रो आपको, एंटिटी गमला बॉय के पास रहेंगे, टाइमिंग का फायदा उठा। सीक्रेट भी अच्छा खेलता है बे, गमला बॉय एंट्री लेते हैं, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा है मेरे को, खराब कर सकते हैं। चल सीक्रेट पंप हो जाओ, सेंसेई एमजे अपोलो आगे रहेंगे फिलहाल। जोन के अंदर तीन, जोन के अंदर दो टीम है, गॉड ट्रेन एंड रेवेनेंट, एंड गमला इज गोइंग फॉर द हिल बैटल। Revenant 4 man strong and Godsend 3 man and Ninja knock ho gaya bro, Revenant ke liye easy push hai, easy push hona chahiye, but can Godsend defend, can Godsend defend, हम लोग का पता है ऑलरेडी ट्रायंगल में आजकल हील बैटल वाले हमेशा हैशटैग 2 आ रहे हैं। तो कैन गमलक बॉय कम हैशटैग 2, शायद यस। रॉबिन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो एक महत्वपूर्ण नॉक निकाला, रेव हो गया निंजा, रेव हो गया, टू मैन हो गए फिर वापस। बट रेवेनेंट बहुत कैलकुलेटेड पुश करती है, जॉट को हड़बड़ी में नहीं करते लोग। हो सकता है एक डीबीएस ने रॉबिन के पास भी देखने को मिल जाएगी, बट निंजा जॉट उनको उतना ज्यादा मौका मिला नहीं हील बैटल करने का। अरे भैया क्या डीबीएस, डीबीएस खिलाड़ी को डाउन किया निंजा, क्या एक नंबर बे, कर क्या रहे थे, दो बंदे मार दिए उसने डीबीएस से, जॉट डाउन करके जाएंगे और अब यहां निंजा को हील करना पड़ेगा। वो थोड़ी मुश्किलों में हुई निंजा जॉट, अभी भी निंजा इज डेफिनेटली केपेबल करे, बट क्या ही और एक दो बंदे मारने की। V1 का ये फाइट रहेगा एंटिटी के गमला बॉय, ये परफेक्ट मोमेंट रहेगा अगर वो भी आगे आना चाहे। निंजा यार एक नंबर मोली था, किसका था वो मोली, अभी जाएगा रेवेनेंट के नाम से देखिए शायद। चलो हिल बैटल वाला हैशटैग तो आ गया ऑलमोस्ट, ये आ चुका, और एक दो बंदा मार सकते हैं। इंतजार है कि अगर गमला बॉय यहां जोन के अंदर जाके कुछ देख लिया, कुछ भी देख लिया, चल चल पाए लेकिन जी नहीं, बाहर आ रेवेनेंट की तरफ से एक कमबैक जरूर देखने को मिल रहा है रेवेनेंट के नाम, लेकिन एनटीटी बढ़िया फाइट था। निंजा ऑलमोस्ट हैड इट, बट कोई बात, अब बढ़ते हैं अपना मैच 2 की तरफ। मैच 2 होने वाला है ग्रुप ए एंड ग्रुप सी के बीच में, मींस सोल इज बैक। फिलहाल 9 टीम्स बचे, ओआर रेकनिंग गॉड्स रेन एंटिटी गमला बॉय, फिर वापस हील बैटल, सोल हेक्टर हील बैटल, मिडल एनकोर हील बैटल, टीम तमिलास मिस्टर आईजीएल हील बैटल। जोन के अंदर सिर्फ दो टीम दिख रहे मेरे को, ओआर एंड रेकनिंग ईस्पोर्ट्स। और है क्या, न्यूमैन भी है, न्यूमैन भी है जोन के अंदर। गॉड्स रेन 8 फिनिशेस, एक्विनॉक्स सोलो 5 फिनिशेस, नाइस। अरे भाई 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 बड़ा मुकाबला बनाने के लिए ऑरेंज रॉक, कल का दिन बहुत बढ़िया गया उनका।
सुपर प्राउड ऑफ जेली, हंड्रेड परसेंट क्वालिफाइड है वो, बट दे वांट टू सेट एन एग्जांपल, भाई हम फाइनल्स में भी ऐसे खेलेंगे बोल के, इसलिए कंसिस्टेंसी रख रहा है। बट साथ ही साथ न्यूमैन को कम बैक करना पड़ेगा ना, कम बैक नहीं, ये लोग आसपास है, टॉप 11 के आसपास है न्यूमैन। कल तक रेक्स नहीं खेला था न्यूमैन से, कल तक न्यूमैन रेक्स की जगह पे काफी होती है, बट कौन था बिलीव खेल रहा था, आज रेक्स आ गया अपने टीममेट को रिवाइव करने में सक्षम भी रहेंगे। बट निंजा देखिए कितने ओपन पे मौजूद, निंजा भाई क्या सर्वाइव करता है निंजा, बहुत लोग थोड़ा सा कैंपर कैंपर बोल के कमेंट्स करते हैं निंजा के ऊपर, बट आई पर्सनली फील लाइक बहुत अच्छा दिमाग लगा के सर्वाइव करता है वो, इट टेक्स इट्स अ स्किल टू सर्वाइव ब्रो, इट्स अ सर्वाइवल गेम इन द एंड। बट यार थोड़ा तारीफ करते हैं, पेटी बन गया उसका, मेरा गलती कुछ नहीं है ठीक है, खुले में सोया हुआ तो भाई स्पॉट होगा ही ना। नजर आते हुए पीछे से कवर फायर देंगे, एक अच्छा ग्रेनेड कनेक्शन, इनको संभालना है, बैक को स्पॉट कर दिया गया, अरे हाई ग्राउंड है न्यूमैन पे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, हाई ग्राउंड का बहुत फायदा होता है, अगर पुश करते हैं बट दे नीड सम हेल्प राइट, एक अच्छा ग्रेनेड कनेक्शन है तो कर लेंगे, सही खेल रहा है, सही खेल रहा है, और रे ये जो पोजीशन चेंज करने की, मैक जोन से नॉक, और यहां पे चीज है मैक जोन से नॉक, व्हाई न्यूमैन गेमिंग यार सही खेल गया न्यूमैन वाले, एक नंबर, जोन के बाहर से हेक्टर फायर कर रहा है क्या, अरे किल ले लिया हेक्टर का, बहुत सही रेक्स, बहुत सही, अभी भी हिल बैटल कर रहे हैं मार्कोस गेमिंग एंटिटी साथ है एंड गॉड ट्रेन, कभी सुना है आपने #3 #4 आया मार्कोस गेमिंग, #2 आएगा गॉड ट्रेन, आई फील लाइक क्या इकोनो फिनिश कर पाएगा, ओ अच्छा डैमेज दिया भाई, अच्छा डैमेज दिया, विद दैट #2 कौन आया, चिकन डिनर तो गया न्यूमैन के लिए, एक नंबर। अब बढ़ते हैं मैच 3 की तरफ, जो होने वाला है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, मतलब सोल खेलने वाला है, गॉड लाइक खेलने वाला है, मतलब मसाला, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, करना पड़ेगा। अरे भाई साहब बॉट का भाई, जोन के बाहर इतने टीम्स फंस गए ना, जोन के बाहर इतने टीम्स फंस गए ना जिसका कोई हद नहीं, बट जोन आ रहा है, जोन आ रहा है, ओए क्या ही बेहतरीन स्प्रे, गॉड लाइक क्लच गॉड, 2 फिनिशेस, 2 नॉकआउट निकाल चुके हैं मार्को, 4 फिनिशेस फॉर क्लच गॉड, ब्रो बता रहा हूं इस लाइनअप में ना, ये 4 लाइनअप में मेरे को क्लच गॉड सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग दिख रहा है मेरे को, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी रियल अबाउट इट, फिलहाल जॉनी जी गॉड क्लच और 3 बचे, क्या ये 2-2 का फाइट, कौन निकल पाएगा आगे, क्या ये 2-2 का फाइट, बहुत ज्यादा मुश्किलों में मिडवेव के डायनोसिस ऑलरेडी मजा आ रहे हैं पीछे, देखिए क्लच गॉड नॉक, अब भी तो तारीफ किया मैंने भाई, किसी का तारीफ किया तो भाई कुछ भी हो रहा है उनके साथ आजकल, आजकल नहीं सिर्फ आज, अकुर पंक इनसेन आदि को नॉक किया, एक तरफ मिडवे सोल नियो भी दे रहा है, दोनों को रोक के रख दिया है, अभी मेटल ईस्पोर्ट्स 4 मैन स्ट्रांग सरवाइव कर रहा है अभी, स्पेशली स्मोकी डायनोसिस वहां, ब्रो ये सर्कल देखो एक बार, सर्कल देखो मां कसम वे कितना छोटा सर्कल है, इस कवर का फायदा गॉब्लिन नियो कैंपर आईजीएल एंड हेक्टर 4 मैन स्ट्रांग दिख रहे हैं मेरे को, नॉकआउट करते हैं इसी के साथ साथ टीम सोल चाहे तो, ब्रो दिस इज द मोस्ट इंटेंस मैच ऑफ द डे सो फार, टीम सोल के सामने काफी पकवान, बट कितने टीम एम्पायर वन ऑफ द कंसिस्टेंट टीम्स, ये अगेंस्ट सोल का फाइट हो रहा है फिलहाल, अभी होते हुए यहां पे टीम एम्पायर के, बट जोन का शिकार हो सकता है टीम एम्पायर, बाहर है और हील बैटल कर रहा है तो बच जाएगा, बट इफ नॉट इट्स ओवर, टीम एम्पायर बाहर, सोल 3 फिनिशेस गॉड लाइक, 2 मैन स्ट्रांग एंड 5 फिनिशेस, वी गॉट नॉक फिनिश हो गया, खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिला है, बस यही आशा करो जेल क्लच गॉड ओवर एक्सटेंड ना करे, क्योंकि अगर वो कर देते हैं थोड़े से मुश्किलात में आ सकते हैं, और स्पोर्ट्स एक तरफ से वो नहीं, ब्रो सोल एंड गॉडलाइक एक तरफ, ऑरेंज रॉक वापस कंसिस्टेंसी के साथ, एंड टीम तमिलास एक तरफ, लेकिन मैक ने एक्सप्लोजन से हो जाते हैं नॉकआउट, बहुत बहुत बुरी खबर है, ये जेली का भी समाप्त हमें देखने का मौका मिला है, मैच दिया इस मैच में 5 किल, कुछ फायदा मिल पाएगा इनको, मेडल आई थिंक हील मेडल कर रहा है ना, कि सर्वाइव कर रहा है जोन के अंदर, गाड़ी के नीचे से शॉट कनेक्ट हो रहे हैं दूसरी साइड, आई विल पिक अ टीम, आई एम गोइंग टू पिक टीम सोल इन दिस मैच, काफी बढ़िया ओमेगा, टीम सोल आई फील लाइक इस मैच में चिकन डिनर लेके जाएगा, ओरे भाई 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 भाई, जैसे नाम लिया मैंने कैंपर आईजीएल नॉक दिया एंड गॉब्लिन ने फिनिश किया क्लच बोर्ड को, बहुत सही, जॉनी भी बाहर, ब्रो
पनौती नहीं बोलने का, मैं नाम लिया तो अच्छा जा रहा है, समझ रहे बहुत से। सोल विद 5 फिनिशेस ऑलरेडी एंड मेडल ईस्पोर्ट्स सर्वाइवर थे बे वो, कल भी मीरामार में क्या ही सर्वाइव किए मेडल वाले, बट इन दिस कॉम्पिटिशन आई फील लाइक टीम तमिलास, अरे भाई 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 नाम ले दे भाई, क्या ही कर सकते हो उधर, टीम तमिलास भी निकाल सकते हैं, वो भी मैन पावर अच्छा खासा है। ओए नाइस वन गोब्लिन, नाइस वन गोब्लिन पंप दिख रहा है मेरे को आज, इसी की मैं चर्चा, मैक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ऑरेंज रॉक ईस्पोर्ट्स, मेडल बाहर हो गया, मैक भाई सर्वाइवर है, बाहर हील तो कर रहे हैं बट मिस्टर आईजे, टीम तमिलास देखते देखते लास्ट अकेला बंदा बचा है बे, मिस्टर आईजे इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम तमिलास, चित करते हुए ओ आर रेव हो गया मैक्स आईजेएल की तरफ, ब्रो इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर, देयर इज नो सिर्फ जीरो चांस नाउ सोल कैन लूज जीरो, भाई क्या सर्वाइव किया बे आईजेएल, क्या सर्वाइव किया उसने, हैशटैग टू टीम सोल विनर विनर चिकन डिनर, एंड मेरा प्रेडिक्शन ओपी, मजा आ गया। आई नो सोल का इनविटेशन है फाइनल्स के लिए, बट दे आर नॉट टेकिंग सेमीफाइनल्स लाइटली, अपना बेस्ट दे रहे, मजा आ रहा है देखने में मेरे को। मीनवाइल ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स गॉड लाइक ब्लाइंड बहुत हल्के में खेल रहे, तो थोड़ा सा सीरियस वो भी खेलेगा तो और मजा आएगा देखने में। अब बढ़ते हैं मैच 4 की तरफ, ब्रो सर्कल देखो कितने बंदे भये, कितने 53 अलाइव इन दिस स्मॉल सर्कल, अब जो बसड़ होगा भाई, अब बस किल फीड देखो, बस किल फीड ही देखेंगे अपन, गॉड स्ट्रेन 4 किल ऑलरेडी, वन ऑफ द कंसिस्टेंट टीम्स, टीम एक्सपायर पे जा रहे हो क्या आप, अकेला लौटा कंपाउंड अभी, ये हो सकता है, ये फाइट हो सकता है, उतर गया एक्वा नॉक्स, उतर गया, कोशिश कर रहे हैं रीम्स के द्वारा एक स्प्रे आएगा, एक्वा नॉक्स को डाउन किया गया, आप इतने छोटे सर, बाप रे बाप, अभी वापस ऑरेंज रॉक पे जाने वाले क्या, कर सकते मुश्किलें बढ़ सकती, गॉड रेन ब्रो बग्गी के पीछे बैठेगा तो ब्रो मुश्किल है, व्हीकल रन ओवर करके ही, अरे भाई पकड़ा गया, निंजा भी पकड़ा गया, नाइस वन रे, नाइस वन रे ड्रीम्स, नाइस वन, मच नीडेड है टीम एक्सपर्ट के लिए, मच नीडेड, ओमेगा को हेक्टर फंस गया, फंस गया हेक्टर उधर, सोल लास्ट मैन स्टैंडिंग है ब्रो, हेक्टर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर सोल, भाई कब मर गए ये, लास्ट मैच चिकन, ये मैच में ऐसा खत्म, आगे आगे भाई गेट इन कर दिया, एक नॉक, अरे मैच फिर से वापस खुद को ही, भाई क्या कर रहा है मैच ब्रो, लास्ट मैच अभी खुद को ही गाड़ी से व्हीकल ब्लास्ट से नॉक कर दिया था, सोल बाहर हो गया, टीम एक्सपार्क वर्सेस सेल्सियस ईस्पोर्ट्स, नाइस वन आदित्य, दो बंदे नॉक है टीम एक्सपार्क के, ड्रीम्स एंड पुकार, पर आदित्य और सारंग है मतलब हो ही जाएगा, अब जो पूरी टोली है वो आने वाली और यहां पर रिवाइवल देना काफी दिलचस्प, अरे आ गया सेल्सियस वाले, ओए तो बहुत अच्छा कनेक्शन पे डैमेज अच्छा दिया उसने, आदित्य इन ट्रबल, ओजी भी ऊपर आ गया, टीम और एंगुटन वो भी यहां पर आते हुए नजर आएंगे, टीम एक्सपार्क वो हर तरफ से फंस चुके हैं, बट तारंग अभी भी चुपचाप बस लेटे हुए और देख रहे हैं कि प्लेयर्स कहां पे अपना मूवमेंट, अरे भाई पोजीशन उनकी भी रिवील, इट्स ओवर, टीम एक्सपार्क लास्ट मैन स्टैंडिंग, आदित्य आखिरी प्लेयर क्या कुछ कर पाएंगे या फिर आदित्य भाई, इट्स टू अर्ली, मिल चुका है लेकिन सेल्सियस रोई हिल पे है ना भाई, अलग ही बसड़ है एक्सपार्क के, आदित्य आदित्य लास्ट मैन स्टैंडिंग, अरे बहुत अच्छा कनेक्शन, नाइस वन नाइस वन, आने वाले हैं कोशिश चल रही है लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाएगी, विस्कॉन की डीपीएस ब्रो, टीम एक्सपार्क बहुत मुश्किल पे है, यू गाइस हैव नो आईडिया, आई थिंक 5 मैचेस होंगे और टीम एक्सपार्क के पास, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट स्टिल इम्पॉसिबल, एंड मैं रियली चाहता हूँ कि मार्कोस गेमिंग टॉप 3 में फिनिश करे इस मैच में, विच इज वेरी हार्ड, बट देखो गमला भाई हेल्प करेगा तो सब कुछ हो जाएगा, गमला दे रहा है उधर से, रेकनिंग इतना बढ़िया गेम में आके थोड़ा सा बिगड़ते हुए हमें नजर आ रहा है, सोमराज अकेले बचे हुए हैं डीबे से, उनके बहुत लोग क्या सेक्सी में जोन के बाहर से, अरे एंटिटी बाहर भी थी लेकिन न्यू मैन ब्रो दूर से आके यहां सबका पार्टी खराब करते ब्रो, फाइनली मार्कोस गेमिंग संयम टीटी को बाहर कर दिया भाई 1v3 ग्रेनेड से, क्या बात है, पूरी टीम ही क्या बात यहाँ पे खत्म कर दी जाती है, वो गमला भाई वगैरह जोन से क्या मार,
एंड्रो वो हील बैटल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाई देगा। और सवितार जोन के अंदर अभी दो ही टीम है, अवतार में देखने को मिल रैकनिंग एंड न्यूमैन के पास। और ये पूरे सेल्सियस भी आ गया, सेल्सियस हील बैटल कर रहा है। मार्कोस गेमिंग संयम संयम को इतनी फर्स्ट एड मिल गया होगा, इतनी पकड़ा गया घुमाओ यार गाड़ी, तीन तीन हो तुम लोग, घुमाओ गाड़ी। चलो अभी कर रहा है, अभी पकड़ लिया। क्या वो एक 1v3 क्लच कर सकते हैं? व्हीकल रन ओवर किया जाएगा, बट गुड जॉब ब्रो। एंड अभी के द्वारा एंड बता रहा हूं मैं, इट्स ऑफिशियल गाइस, इट्स ऑफिशियल। जो हील बैटल करता है वही हैशटैग टू आता है इरेंगल में, बता रहा हूं मैं। इट्स अ हील बैटल मेटा इन इरेंगल। क्या एक को नॉक फिनिश कर पाएगा ये? अरे बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, एकदम स्टिल कैरेक्टर दिखना चाहिए। नहीं ले पाया न्यूमैन वाले किल, बट विद दैट इट्स अ विनर चिकन डिनर फॉर न्यूमैन ईस्पोर्ट्स। आई थिंक न्यूमैन भी क्वालिफाइड है, इट्स टू अर्ली टू से, बट बता रहा हूं न्यूमैन क्वालिफाइड है मेरे हिसाब से। अब सिर्फ दो मैचेस बचे हैं ब्रो, एक्सपार्क बिग ब्रदर्स लेट्स गो। आई वांट टीम एक्सपार्क एंड बिग ब्रदर टू डू गुड इन द नेक्स्ट टू मैचेस, लाइक रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं बता रहा हूं। दोनों टीम स्ट्रांग है, पता नहीं क्या गलत हो रहा है उनके साथ। बाप रे बाप, सोल का है, एक बार देखो सोल का आईजीएल देखो का है, इतना लंबा गैप। को पहले जोन को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आएंगे, मैं जनता को बताना चाहूंगा। ओए होए एक बात, मछली ही मछली भाई, पानी का सर्कल, इसका पूरा पानी का सर्कल ब्रो, जो लैंड पे है उसके उसके साथ जो डिफेंस सिस्टम बना के रखना पड़ेगा अलग लेवल पे। भारी होते हुए पानी में बहुत मछलियां देखने को मिलेंगे इस मैच में। हेक्टर के पास एक बार फर्स्ट एड तुम लोगों ने देखा, किसी ने देखा कितना फर्स्ट एड है हेक्टर के पास? 44 फर्स्ट एड है हेक्टर के पास। नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ गया और किस तरीके से देखिए यहाँ पे मक्खियों की तरह टीम से यहाँ पे प्रस्थान करना चाह रहे हैं जोन के अंदर। ओ एक क्लच गॉड, टीम गॉड लाइक संयम की तरफ से नॉक होते हुए, जो कि फिलहाल एक मिशन पे। स्लैम आएगा, टाइटैनिक के अंदर घुस सकते क्या? टाइटैनिक जो मल्टीपल टीम जो डूबने के जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में ये टाइटैनिक के अंदर घुस सकते शायद, आई थिंक और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मार्कोस गेमिंग बहुत पहले से सर्कल के अंदर ही थे। चल मार्कोस गेमिंग, इन दिस मैच आई विल गो विद मार्कोस गेमिंग। हैकर पंक के सामने पूरा सोल का टीम, हम देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं टीम सोल के। आया इसको फुटाया गोब्लिन का, सुन ली थी। बहुत सेक्सी मारा बे, फटका मारा, अच्छा मारा ब्रो। लुक एट द सर्कल, बढ़िया सर्कल, लुक एट द फ्रीकिंग सर्कल, ओ माय गॉड। अब तो हमने बात करी थी सते मात्र 15% ब्रो, और यहाँ पे पूरा पानी का सर्कल, पूरा जो जोन है ब्रो, जाता हुआ। आई थिंक सारे की सारे टीम्स हील बैटल में जाएंगे, सारे की सारे टीम्स हील बैटल में जाएंगे और एक एक बंदा पानी में घुस जाएगा, मछली मछली होगा, ऑल चैट पे बंदी होगा अभी और कुछ नहीं कर देता है तो बात ही अलग है। बट सडनली ऐसे मानो कि ब्रो टाइटैनिक है क्या पानी के अंदर? ये मैच बहुत स्लो चल रहा है, ये पोर्ट जो है जोन का एज वो टाइटैनिक है क्या? नहीं लगता ऐसा सर्कल ब्रो, दिस इज द रेयरेस्ट सर्कल, वन ऑफ द रेयरेस्ट जोन्स एवर सीन। अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देखा है तो भाई कमेंट करो W, कैसा करता है W? उसी के होने वाले जिसके पास सबसे ज्यादा फर्स्ट एड से, छोड़ो फेड़ बोला ना मैंने, हर टीम का एक बंदा हिल बैटल पे जाएगा और बाकी सब पानी में। ये देखो जेली उनके बंदियों की तरफ उन्होंने आया था और आप देखिए फिनिशेस भी निकल रहे हैं। टीम मेडल ऑन कोर, उनके पास 16 फर्स्ट एड है, 16 यार 16 छोटा गेम खेल रहे हैं एंकोर भाई। आप उधर हेक्टर 40 फर्स्ट एड लेके बैठा है। मार्कोस गेमिंग, आई विल स्टिक विद मार्कोस गेमिंग। मार्कोस गेमिंग संयम निकालने वाला है ये चिकन, मुझे पता नहीं कैसे ऐसे सर्कल में पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ माया करके वो निकालेगा चिकन। अलग बकचोदी चल रहा है इनका, हेक्टर का 40 फर्स्ट एड खत्म हो गया भाई। और सारी मछलियां बिल्कुल सेंटर, सबसे पहले बाहर हुआ कौन, जी गॉड गोज डाउन
चल संयम इमोर्टल बन सकते हैं शायद नहीं या शायद कौन इमोर्टल हंटर कौन आखिर कौन थे जो अरे इमोर्टल देखेंगे अबे एक नंबर ब्रो 100 एचपी जिसका है उसका गेम है ब्रो उसका गेम है संयम का 100 नहीं था सही बात है देख टॉप 2 या टॉप 3 आ गए होगा बहुत मजा आया मेरे को एक मैच देख के बहुत मजा आया इन्फिनिटी बहुत कंसिस्टेंट खेल रहा है इस टूर्नामेंट में एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट साइन वेरी सून एंड जो भी साइन करेगा इस टीम को मजा आएगा देखने में एंड अब सिर्फ एक मैच बचा है लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस लास्ट मैच ऑफ द डे आज का लास्ट मैच देखने से पहले एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग्स देख लेते हैं ऑरेंज रॉक ऑन टॉप ए टॉप 8 टीम्स को देख के कुछ उतना दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पेज देखेंगे रेकनिंग मिडवेव बेसिकली सेंचुरी मारना पड़ेगा सेंचुरी नहीं भाई 120 चल रहा है टॉप 11 के लिए 123 करना पड़ेगा तभी टॉप 11 पे तुम आ पाओगे तो अब देखते हैं टीम एक्सपार्क बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स कम बैक कर सकते या नहीं टीम एक्सपार्क के पास 86 पॉइंट्स है मेडल के पास 94 पॉइंट्स है पर टीम एक्सपार्क एंड मेडल ईस्पोर्ट्स दे कैन मेक अ कमबैक दे कैन स्टिल कम बैक अब देखते हैं फाइनल मैच ऑफ द डे जरूर मुश्किलात में ओए जॉनी नॉक किया ओबे शैडो को जोनाथन का ग्रेनेड इसी बीच में ओबे के शैडो को गॉड लाइक वर्सेस ओबे हो सकता है जरूर ओ दे आर पुशिंग यहां पे अलग-अलग जगहों पे फाइट्स चालू हो रही है और यहां शैडो को रिवाइवल देना रहेगा मुश्किल न्यूमन के रेक्स को गॉड्स रेन के एक्वा नॉक सवितार को भी नॉकआउट करते हैं अच्छा नीड सकता हो सकता था बे वो पेस को स्लो डाउन करेंगे ना सिर्फ स्लो डाउन करेंगे उनको खत्म भी करते हुए नजर आएंगे लेकिन निंजा का किल नहीं लिया ना उनको सिर्फ एक ही अंक मिलने वाला है रॉबिन साहब ग्रेनेड दो बंदे जगह पे पड़ी तो दो प्लेयर्स को भी नॉक कर सकते हैं ग्रेनेड गया है डैमेज पड़ा है अंदर घुस गया रेक्स तो एकदम से निंजा जरूर उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन अबे अभी कहां से नॉक कर रहा है एंटिटी के ट्रॉय अभी को नॉकआउट करेंगे जरूर पर निंजा जॉर्ड अभी भी रेव हो सकता है बट जोन डैमेज इज हाई किल तो नहीं दिया भाई निंजा तो और न्यूमैन भी फंसती हुई नजर आ रही है जोन के बाहर उनको 400 मीटर सॉरी 900 मीटर ट्रैवल करना है तो ये अरे भाई बाहर बुरा खबर है गॉड ट्रेन बाहर के पास चांस रहेगा सविता अरे भाई 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 एंटिटी क्या स्टाइल एंटिटी ट्रॉय तो क्या स्टाइल में एंट्री दिया बे पूरा स्टाइल में एंट्री दिया नॉकआउट हो चुके हैं आखिरी प्लेयर ट्रॉय को ओए टीम एक्सपार्क दे रहा है गॉड लाइक इज जी गॉड को इसी बीच में नॉकआउट किया गया स्मोक डिप्लॉय करके कवर बिल्ड करके खेलना पड़ेगा लेकिन एक्सपार्क फोर मैन स्ट्रांग एंड टीम इन्फिनिटी इन ट्रबल एक ग्रेनेड आएगा उनकी तरफ से ओए गॉड लाइक जॉनी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग उनको किया गया नॉकआउट और गॉड लाइक अरे कुछ भी मर जाती है गॉड लाइक कभी कभी तो क्लीन ऑफ ना करने का कुछ भी मर गया इस इधर तो जरूर भरना पड़ा टीम एंटिटी एक मकसद पे मतलब एक झटके में फट 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 हो जाते हैं नॉक नहीं तो फट 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 वाइप कर देती है जिस तरीके से शुरुआत गॉड लाइक बाहर हैशटैग 12 न्यूमैन जीडीआर को वाइप कर दिया किस प्रकार उठा रहे हैं एक राइवलरी बन चुकी है हमारी स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0 के ओए होए होए सेमीफाइनल्स के अंदर बट विक्सकी का कोशिश चल रहा है थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज से भी मार सकता है ब्रो क्लाउनी को देखिए क्लाउनी बस इंतजार कर रहे हैं कि विक्सकी को पुश करे खत्म तो एक खत्म नो क्लच आउट करने की कोशिश रहेगी लेकिन एचपी के बिना इंपॉसिबल सा चीज है ये टीम एंपायर इसी बीच में देखिए वो चढ़ चुके हैं रेवेनेंट टीम एंपायर खिलाड़ी डाउन हो चुके थे एंड सेंसी मुझे लगा टीम एंपायर ने बाहर कर दिया रेवेनेंट को किया जा सकता है जो किया जाएगा और टीम एंपायर अपने क्या कैनरी नाचेगा अभी के लिए अपने टीम को टॉप 6 में देखना पड़ेगा आदित्य नॉक रैगटन रॉक्सा को बहुत ज्यादा स्ट्रेटजिक खेलते बे ओरंगटन खिलाड़ियों का और टीम एक्सपायर के जो मुसीबतें हैं वो कम होते हुए तो सारंग नॉक ड्रीम्स नॉक को जिंदा रखने का पुकार लास्ट मैन स्टैंडिंग पुकार के ऊपर आ चुका है वो आखिरी बार एक के बाद एक सबको फिनिश करना चाह रहे हैं बट बाहर बाहर टीम एक्सपायर बाहर #5 इन सब चीजों सेल्सियस यहाँ पे ओरैंगटैन को प्राप्त खेल रहे हैं सेल्सियस वाले अच्छा हिस्सा उनके भाग में
बट अभी के लिए मिडवेव भी हकदार, मिडवेव फोर मैन स्ट्रॉन्ग है क्या ब्रो? मिडवेव एंड ओजी प्लेड एक्सट्रीमली वेल इन दिस मैच। उनके आखिरी सर्वाइवर एचपी ना होने के कारण जोन का डैमेज लेके एलिमिनेट हो गए हैं। दो प्लेयर्स बचे हुए टीम एम्पायर की तरफ से, ओजी के चार खिलाड़ी। आई थिंक मिडवेव लेके जाएगा ये वाला मैच, भूल सकते हैं साथ हुए खिलाड़ी। भाई नाम लेते ही क्यों नॉक खाते ब्रो? मैं जिनका नाम ले तो हमेशा नाम लेते ही नॉक खाते ब्रो। ब्रो फिनिश मत हो, जा डायनोसिस, फिनिश मत हो हो गया फिनिश। जादू ने फिनिश किया अभी एश फुल टोचन देगा एक के। तो आड़ू आगे आ जाते हैं, एक मॉली डाल पीछे से जादू एंड रॉकस्टार रोका जाएगा, लेकिन जादू और रॉकस्टार सर्वाइव कर रहे हैं। जादू इज गोइंग फॉर द हिल बैटल, नाइस वन, नाइस वन, दिखाते हुए आरू को खत्म कर दिया जाएगा इसी बीच में। ओरैंगुटन का ये चिकन डिनर कुछ ज्यादा पे नहीं है मौजूद, पकड़ा गया करते हुए, लेकिन मिडवेव वो काम कर दे रहे हैं जिनको किल ले लिया एक ने, रॉकस्टार का फिनिश पॉइंट चुरा लिया जाएगा एश के द्वारा। ओए नाइस वन, नाइस वन, आगे आते हैं एंग्री है ट्रिगर, उनको ट्रेड आउट जरूर करेंगे लेकिन अभी भी बचे हुए हैं ट्रिगर भी, एक एक की भी काफी लो एचपी, लेकिन वो जादू इसी बीच में मिडवे जादू का किल गया एक एक एंड विद दैट इट्स अ चिकन डिनर। डिड टीम एम्पायर कम हैशटैग टू? आई थिंक जादू ने मिडवे का लास्ट बंदा को मार दिया एंड जादू को एक ओपी ने मार दिया एंड आई थिंक जादू सेकंड आया, जो भी है बढ़िया ब्रो, वेल प्लेड बाय टीम एम्पायर एंड ओजी। मजा आया विद दैट, अपना डे 4 खत्म हो चुका है ब्रो। ओवरऑल स्टैंडिंग्स अभी देखेंगे एंड मोस्टली आप थोड़ा बहुत बता सकता हूं मैं कि कौन क्वालिफाई होगा एंड कौन नहीं। लेट्स सी द ओवरऑल स्टैंडिंग्स। फिर से ओआर स्पोर्ट्स एट #1 टीम एम्पायर, ओजी, एंटिटी, टीम सोल, टीम न्यूमैन, रेवेनेंट एंड टीम इन्फिनिटी मचा रहे ये लोग सेमीस में। पेज 2 में है गॉड्स रेन, ओबे, सेल्सियस, मिडवेव, जो सेंचुरी क्रॉस कर दी ना ब्रो वो टीम्स ही कमबैक कर सकता है मेरे हिसाब से। इनसेन तक पॉसिबल है कमबैक के लिए टॉप 11 में, उससे नीचे ना ब्रो कमबैक करने के लिए कल 2-3 चिकन निकालना पड़ेगा विच इज वेरी हाईली अनलाइकली, बट देखते पेज 3 देखते अभी कितना पॉइंट है बाकी टीम्स का। टीम एक्सपार्क एट #17 विद 95 पॉइंट्स, टीम एक्सपार्क भी कमबैक कर सकता है कल अगर एक चिकन और एक हैशटैग तो ऐसा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी ना जिस तरीके से BGIS में कंसिस्टेंसी मेंटेन किया तो टीम एक्सपार्क भी कमबैक कर सकता है, मेडल स्पोर्ट्स भी कर सकता है। टॉप 5 ब्रैकेट्स में है ऑरेंज रॉक मैक्स विद 30 फिनिशेस, एक्वानॉक्स विद 28, एडमिनो विद 28, निंजा जॉर्ड विद 27 एंड हैकपुर पंक विद 27। पता नहीं सेमीफाइनल्स का MVP के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट फाइनल्स में तो जरूर होगा। चलो विद दैट अपना डे 4 कम्स टू एन एंड एंड आप लोग को डे 5 का हाईलाइट्स चाहिए, बहुत इंटेंस होगा। अगर चाहिए तुम लोग को हाईलाइट्स इस वीडियो पे 25 के लाइक्स कर दो एंड आई विल मेक दैट हैपन। विद दैट बीइंग सेड आप लोग से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड देन पीस।